अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए, आमीन सुमा आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गए हैं घर के, और सारा दिन ही काम होते हैं, कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि काम ना ख़त्म हो। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश व आबाद रखे और हिम्मत ताकत है ताकि हम अपने घर के सारे काम कर सकें। तो जी माशाल्लाह आज मैं बना रही थी अरवी गोश्त, बना रही थी, सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, टमाटर और बस सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको मैं प्रेशर कुकर को बंद करने वाली थी तो मैंने कहा चलें अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ कि आज मैं खाने में क्या पका रही हूँ। बस खाना बनाते हैं और किचन से फारिग होकर कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है? आप क्योंकि मेरी यूट्यूब की फैमिली है, मेरे फैमिली मेम्बर्स है, आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? तो पहले से बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और अच्छी अच्छी दुआएँ दे रहे हैं। तो ठीक है, तो बस ये किचन का काम करके फिर कमरे में जाके आपको दिखाते हैं कि क्या करो। बच्चों वालेकुम अस्सलाम। तो जा रहे हैं जी ट्यूशन, बैग निकाल लिया है, बस इतना सही इनके पास टाइम होता है और स्कूल से आने के बाद आधे घंटे बाद ये ट्यूशन चले जाते हैं। और मूड ख़राब है अभी भी कि क्यों जा रहा हूँ मैं, तो जाना तो होता है पढ़ने, तो मोबाइल और टीवी के साथ साथ पढ़ना भी होता है। और अभी यार यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थी, क्या बनाया था? स्नैक बनाया था। अच्छा स्नैक बनाया था, तो मैं दिखाती तो सही अपने व्यूअर्स को कि अभिया ने कैसे स्नैक बनाया माशाल्लाह से। चलो दोबारा दिखा दूँगी। चले जी उठें आप दोनों, तो एकेडमी का टाइम हो रहा है और समीउल्ला का मूड ख़राब है कि मैं घर में ही रहूँगा, लेकिन नहीं, ये आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और खेल के टाइम खेल। चलो जी उठ जाएँ, सिपारे उठाएँ। चलो उठाओ दोनों सिपारे, कुरान शरीफ भी उठाओ और आपने ना आगे बैठना, ठीक है? भैया के साथ सिपारा लेके पीट ना हो। चलो सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। भाई इनके चले गए हैं, एकेडमी चले गए हैं, अब अभिया और मैं बैठ के बातें करेंगे इनकी मम्मा, है ना? और अभिया मुझे दिखाएंगी अपनी चीज़ें, जो आपका पिंक वाला बैग है वो तो दिखाएं जरा व्यूअर्स को, उसमें क्या क्या है? उसमें बहुत सारी चीज़ें, मेरी बुक्स हैं, नहीं दूसरा जो उसमें प्लास्टिक में बना हुआ है पिंक कलर का जो मैं देख रही थी, मैंने कहा बड़ा अच्छा बना हुआ है वो, उसमें तो मेरी स्नैक्स हैं और उसमें मेरे मार्कर्स हैं। अच्छा चलो अभी व्यूअर्स को दिखाते हैं, ठीक है? और मेरा पॉकेट भी है। पॉकेट भी है, चलो ठीक है दिखाते हैं। आती हूँ जी सहन में और आपको दिखाते हैं कितनी तेज़ धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। बस समीउल्लाह का यूनिफॉर्म धो के अभी डाले हैं और नील लगाया है क्योंकि डेली ये गंदे करके आ जाते हैं कपड़े, तो ये समीउल्लाह का तो डेली हाथ से धुलता है। और ये देखें जी माशाल्लाह हवा भी बंद है बिल्कुल, तो बस बाहर आ गए, बच्चे एकेडमी चले गए हैं। और देखें अभी सफाई की थी और फिर से जामुन के दरख्त के जो पत्ते हैं वो गिरते रहते हैं, और देखते हैं भाई खाना कहाँ तक पहुँचा है। तो चलते हैं जी। अच्छा यहाँ पकड़ी है अभिया की मैगी, अभिया शौक से खाती हैं। और जी यहाँ देखते हैं अब इसको मैंने भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, सारा मैंने जो इसमें स्पाइसी टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्चें और मिर्च मसाले डाले थे, अब इसको अच्छे तरीके से भून के फिर अरवी काट के ना इसमें इसका अच्छी तरीके से ग्रेवी बनाएंगे। बस बर्तन रह गए हैं थोड़े से और लहसुन छील के काफ़ी सारे मैंने रख दिए थे, इसको बॉटल में भर के रखूँगी, बस बर्तन धो के आ गई। सलाम करें जी व्यूअर्स को। वालेकुम अस्सलाम। तो वही घूंघट तो हम बाद में उतारेंगे, इनका फेस रिवील करेंगे ज़रूर, लेकिन वो भी आराम से आप कमेंट्स में बताएँगे। तो यहाँ जी पढ़ी हैं गीटियाँ माशाल्लाह से और दुरुशी पढ़ा जा रहा है, और आगे हैं जी मेरे जो मजाजी खुदा हैं और जी अभी आपको दिखाने वाली थी, कुछ देर में चले दिखाएंगे, ठीक है? और बस इनके लिए बनाती हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि हमने तो अभी दोपहर का खाना खाया और इनका नाश्ता होगा, तो बस अभी आपसे गपशप जारी रहेगी। अभी अभी तो फिलहाल वो बैग दूर है, तो अभी आप नहीं दिखा रही, क्या है? लिड्डो है माशाल्लाह। अच्छा ये वो है, इसके नीचे वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, मैग्नेट लगा हुआ है, वाली है। अच्छा मैग्नेट वाली, और ये इसमें वो कहाँ है? अच्छा जी भाई नई नई चीज़ें निकली हैं बच्चों की, हमारी दफ़ा तो बिल्कुल सिंपल होती थी। और आप देखें जी, चलें जी रात को खेलते हैं सब बच्चे मिलकर। चलो बंद कर दो, ये ना घूम जाएंगी तो फिर ज़ाया हो जाएगा माशाल्लाह। चलो बच्चों कैसी कैसी चीज़ें निकली हैं, नए दौर की नई चीज़ें, है ना? तो जी हैं जी मेरे तायबू का कमरा और तायमी का, लेकिन अब इस कमरे में मेरे तायबू रहते हैं और ये कमरा मेरे ख्याल से मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं है। तो जो मेरी ताई अम्मी वो तो फोत हो गई हैं, उनको 14 साल है,
तो बस ये है कि ये आती हैं तो बहुत ज़्यादा उदास होती हैं अम्मी के लिए, और ये मेरी नंद हैं और इनकी बेटी आई हैं और ये मेरी नंद है। मैंने आपको बताया था कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, तो बहुत ज़्यादा उदास होती हैं, लेकिन हम इनका इतना ख्याल रखते हैं कि इनको बिल्कुल भी कमी महसूस। लेकिन अम्मी तो फिर भी याद आती हैं ना, इसलिए तो उदासी होती है ना। हाँ, ये लोग तो बहुत ख्याल रखती हैं सारी मेरी भाभियाँ भाई, लेकिन अम्मी की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। हाँ, माँ की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहे जितना भी हम ख्याल रखें, ये सारे भाई ख्याल रखें और हम भाभियाँ भी ख्याल रखें, लेकिन फिर भी छोटी हैं सब में, बहन भाइयों में ये छोटी हैं और उदास भी होती हैं, खफा भी होती हैं, किसी किसी टाइम ये रो भी पड़ती हैं, लेकिन हम तसल्ली देते हैं। बाकी ये अल्लाह के काम है, अल्लाह अपने कामों को बेहतर जानता है। हमारे ओलिया पीर पैगंबर चले गए तो हम तो उनके पाँव की धूल भी नहीं है, एक दिन सब ने जाना है। लेकिन ये कि मैका जो होता है वो माँ बाप से ही होता है, और अल्लाह ताला सबके मैके सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन, और सबके माँ बाप को सलामत रखे। आप लोगों के लिए भी दुआएं हैं। तो बस ये है कि मैंने इस वजह से जिक्र किया है, लेकिन आप उदास ना होना खफा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया है ये। नहीं नहीं, तो है ना, ये तो है, ये रहेगा अब हमेशा। हाँ, वो तो नहीं है ना, उनकी उदासी तो रहेगी हमेशा। हाँ ये तो है, तो मैं इसलिए व्यूअर्स को बताना चाह रही थी कि उनको पता होना चाहिए कि आपका मेरा क्या रिश्ता है, और भाई मेरी जो सास है वो किधर है, और ससुर का तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैंने कहा जब ये आएंगी और ये दूसरे शहर से आई और माशाल्लाह अभी काफ़ी टाइम हमारे साथ रहेंगी और आपको वीडियो में नज़र आती रहेंगी, तो मैंने आपके सामने इनको कहा भी है कि अगर मेरी कोई ऐसी बात हो, मैंने कोई भी व्यूअर्स से शेयर की हो, तो अगर आप खफा हो तो आपसे भाई ऐसे दिल पे ना लेना। तो कहती थी कि नहीं, ये बात तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत वो मतलब मेरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो बाकी ये कि आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखें और हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे, और ऐसे मज़े मज़े के अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरी छोटी वीडियोस आ रही हैं, छोटे मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जब मेहमान आ जाएं घर में तो हलचल रहती है, कभी एक कमरे में कभी दूसरे कमरे में, तो मैंने कहा चलें आज इस कमरे में बैठ के थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ ही कमरा दिखाएँ, थोड़ा सा शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे जो सास ससुर है वो थे, अब माशाल्लाह से ससुर होते हैं, तो ये उनका कमरा है। इस कमरे में मैं बहुत कम आती हूँ, क्योंकि उनका होता है कि ज़रा बेडशीट बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो, क्योंकि एज के साथ साथ जैसे टाइम गुजरता है तो हर चीज़ मेंटेन रखनी पड़ती है कमरे की। तो बस ये है, ये इनको मैं लेकर आई थी इस कमरे में, तो मैंने कहा आए इधर आज बैठ के थोड़ा सा अपना व्लॉग बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ताकि हम दोनों जो नंद भावा जी हैं अब आपको वीडियो में नज़र आएंगी, लेकिन कुछ देर में ना इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में इनका फेस भी रिवील करूँगी, और फिर अच्छे अच्छे हमारे दोनों भाभी और नंद के इतने प्यारे प्यारे मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे, और आपने कमेंट्स में बताना है कि हम कैसे व्लॉग दोनों बनाएं जिससे आप लोग इंटरटेन हो। तो इजाज़त चाहते हैं, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।